देवास बीजवाड़ा सावन में पहुंचने वाली कावड़ यात्रा हुई स्थगित। नेमावर सिद्धेश्वर महादेव से प्राचीन विजवेश्वर महादेव मंदिर बिजवाड़ा पर प्रथम सावन पर पहुंचने वाली शिव साधना कावड़ यात्रा हुई स्थगित। छोटे से स्वरूप में यात्रा संयोजक संतोष मीणा ने किया पहुंचकर भगवान विजवेश्वर महादेव का जल अभिषेक। सुंदरेल बिजवाड़ दीपक शर्मा सावन के प्रथम सोमवार जयकारों के साथ भोले बाबा की मस्ती में मस्त होकर नेमावर माँ नर्मदा का जल भरकर सिद्धेश्वर धाम नेमावर से आने वाली शिव साधना कावड़ यात्रा स्थगित हो गई। शिव साधना कावड़ यात्रा संयोजक संतोष मीणा ने बताया कि सावन के प्रथम सोमवार हमारे द्वारा भव्य कावड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी आज पूरे देश में चल रही है। उस बीमारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है, उसका हम पालन करते हुए लॉकडाउन और महामारी का जल्द से जल्द अंत हो, इसी को लेकर हमने इस यात्रा को स्थगित कर दिया है। देवा सुंदरेल बिजवाड़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। द्वारा कावड़ यात्रा निकाली जाती है प्रथम सोमवार, इस पर आपका क्या उद्देश्य और किस कारण नहीं निकाली गई अभी? देखिएगा, सर्वप्रथम तो मैं सावन मास के महापर्व पर समस्त क्षेत्रवासियों को, श्रद्धालुओं को, प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। सावन का ये प्रथम सोमवार है, हर वर्ष हम प्रथम सोमवार में यात्रा निकालते हैं और बहुत भव्य यात्रा निकलती है। हजारों सैकड़ों श्रद्धालु उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आप सब लोगों की जानकारी में है, कोरोना जैसी महामारी जो बीमारी पूरे देश के अंदर चल रही है, उस बीमारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान का हम पालन करते हुए लॉकडाउन और महामारी जो है, उस बीमारी का जल्द से जल्द अंत हो, इसी को लेकर आज हमने उस यात्रा को स्थगित की है। और स्थगित कर आज हमने माँ नर्मदा की पावन नगरी नाभिकुंड नेमावर पहुंचकर नर्मदा जी की पूजा अर्चना की, भगवान शिव पर जल अभिषेक किया और जल भरकर शिवधाम ननासा जहाँ हमारा रात्रि विश्राम रहता था वहाँ भी हमने भोलेनाथ का जल अभिषेक किया है। बिजवाड़ पहुंचकर भगवान विजेश्वर की अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और कामना की है कि देश के अंदर जो बीमारी चल रही है, इस बीमारी का जल्द से जल्द अंत हो और देश विश्वगुरु बने, ये आज हमने कामना की है।